अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा है कि हमने कुमराट जाने की कोशिश की और वो हमारा ट्रिप फेल हुआ और हम खज्जल ख़राब हुए। अगर आज हम जो है मोमबन पहुंच रहे हैं, ये आप पार्ट टू इसीलिए बना कर दिखा रहे हैं, ये धमाका लेक है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसका। ये हम रात को पहुंचे हैं और कुकिंग की तैयारी शुरू हो गई है। हमारा इन्वर्टर को थोड़ा मसला हो गया था, तो फिर हमने छोटी लाइट्स चला के अपना गुजारा किया। खाना कर दें, ये आलू छीले जा रहे हैं और आलू वाले चावल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बाहर आने दीजिए, की कर देते हैं। हेलो, ऐसा कुछ हो रहा है सवेरे? मैं सिर्फ ऐसा नाल करने ना उठा नहीं। ये लें जी, हमारे आलू वाले चावल तैयार हो गए। ओहो, अभी इसने और फूलना था, परी भाव पड़ गई। और ये जी आवाम के पुरजोर फरमाइश पे सात चिप्स भी है। ये ले जी, अब खाने के बाद कॉफी, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। ये ले जी सुबह का नज़ारा माउंटेन लेक पे, पहला व्यू जी देखें। देखें जी कशीदाकारियां की हुई हैं लोगों ने, वो हमारा सामने कैंप है और ये खूबसूरत नजारा है। बिल्कुल लेक के साथ हमने कैंप लगाया हुआ। एक कश्ती चल रही है जी, ये सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सुकून है यहाँ पे, तो कमाल का सुकून है। इतने सुकून ने हमें बेहोश कर दिया और अब एक दफ़ा फिर कॉफ़ी बना के पी रहे। थोड़ा सा होश आया मगर होश नहीं आ रहा, इतना सुकून है। ये पड़े हुए हैं जी हम, इन नज़ारों से सुकून हासिल करें, तो बहुत सुकून फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स जगह है। ये जी हमारा हैंड वॉशर,
बर्तन धोने का सिस्टम हमने साथ ही रखा हुआ था। देखें अल्लाह पाक की कुदरत। बादलों और पहाड़ और नीले आसमान और सब्ज पानी का एक अलग ही कम्बिनेशन है। ले जी हम वापस निकल आए हैं और रात को जो दो चार नज़ारे रह गए थे आपको जो नहीं थे दिखाए वो भी दिखा दें। देखें कैसे नज़ारे हैं रास्ते के। रास्ता देख ले ऐसा ही रास्ता है सारा 4x4 का। ये जी आबशार एक आ रही है ऊपर से देख। बहुत तेज हवा चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है आपको हवा की आवाज़ तो आ रही होगी काफ़ी। वापसी का सफर जोर शोर से चल रहा है जी। ये जी यहाँ से जाते हैं हम वापस ऊंचू फॉरेस्ट कलाम पहुंच चुके हैं। मगर अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, हम वापसी के सफर पर निकल चुके हैं। कलाम से आगे का रोड शुरू हो गया और ये रोड ज़बरदस्त है। इस पे आगे स्पीडें लगी हैं पता लगा। टूटे हुए रोड पे चलाने के बाद इस रोड पे चलाना तो ऐसे लग रहा है जैसे बस क्या ही बात है। फुल स्पीड पीछे का सारा गुस्सा निकाल रहे हैं अभी यहाँ पे। दो दिन से हम जो है ना सफ़र में टूटे हुए रोडों पे जलील हो रहे थे, ये साफ रोड मिला तो बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वापस भी हम आराम आराम से खड़े हो के कभी कहीं पे चाय पी कभी कहीं पे रुक। मैं तो इतना स्टे करता नहीं हूँ, बस मेरे साथ जो सवारी हैं वो स्टे बहुत करती हैं। नहीं हम बहरेन के पास पहुँच ही गए हैं।
ये जी बहरीन का बाजार है जी, और रात का मंजर है देखें, ये बड़ा फेवरेट एरिया है। ये बहरीन का दरिया है जी, ये उसका सेम सुबह का मंजर है, रात को हमने बहरीन में स्टे किया था, आपको कहा कि थोड़े से बहरीन के नज़ारे भी दिखा दें। ये है जी बहरीन, ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है, हम अक्सर आके यहाँ पे स्टे करते हैं। और हम निकल पड़े हैं जी, वो बंदा बहुत बुरी गाड़ी ले गया, ये जी देखें आड़ुओं का बाग, और यहाँ से ताज़ा आड़ू खाने का अपना ही मज़ा है। जब भी हम आते हैं तो लाजमी यहाँ बागों में आके हम आड़ू खाते हैं, या सेब खाते हैं, या जापानी फल खाते हैं, या मलोक खाते हैं। सर्दियों में जो है यहाँ पे मलोक मिलते हैं दरख्तों में। लें जी हम पहुंच गए हैं जी सवात, और यहाँ पे हमारा थोड़ी देर त्रेह सवात पे स्टे करने का प्रोग्राम। स्वाद का शानदार सनसेट, और ये शाम का मंजर है। ले जी सारी रात सफ़र करने के बाद हम पहुंचे हैं गुजरांवाला, और ये सूरज चढ़ रहा है और हम गुजरांवाले पहुंच गए हैं, और इसके बाद डस्का है और उसके बाद से सियालकोट। तो लिहाजा इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी अच्छी राय जो का इजहार करें कमेंट्स में, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।